शराब ठेकेदार मनमाने ढंग से जहां मन होता है वहां दुकानें खोल लेते हैं। एक ऐसा ही मामला डिंडोरी जिले से सामने आया है, जहां हाईवे और पेट्रोल पंपों के किनारे ठेकेदारों ने दुकानें खोल ली हैं, जिस पर बसपा जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब ठेकेदार और आबकारी विभाग की मिलीभगत से होता है। डिंडोरी जिले के शेखपुरा में शराब ठेकेदारों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। पहले शराब की दुकानों को शहर के स्कूलों के रास्ते पर खोला गया था, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के विरोध के चलते बंद करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर मनमाने ढंग से नियमों को ताक पर रखते हुए शराब ठेकेदार हाईवे की सड़कों और पेट्रोल पंपों के किनारे शराब की दुकानों को खोलते जा रहे हैं, जिसका लोगों द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। वहीं बसपा जिला अध्यक्ष असगर सिद्दीकी ने जिला प्रशासन से ठेकेदारों और आबकारी विभाग के मिलीभगत की शिकायत की है, जिनकी शह पर ये सारा कारोबार चल रहा है। जिले में दो शराब दुकान ऐसे हैं, एक शेखपुरा में है जो स्कूल के पास था, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के समय भी उनने विरोध किया था कि यहाँ से स्कूल से 100-200 मीटर की दूरी पर शराब दुकान नहीं होनी चाहिए। उनकी खुद की सरकार में रहते हुए वो नहीं हटवा पाए, और अब हटा भी तो कहाँ जाके, पेट्रोल पंप के पास, शेखपुरा पेट्रोल पंप के पास खोला गया है। वो भी बता रहे हैं कि विद्युत का जो कनेक्शन लिया गया है पेट्रोल पंप से लिया गया है, तो वहाँ तो और ही उचित ही नहीं है शराब दुकान खोलने का। नेशनल हाईवे रोड से कम 500 मीटर की दूरी अंदर साइड रोड से शार्ट आउट होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, जो वो रोड किनारे रखा गया है, नियम विपरीत है। मैं इसमें चाहूँगा आबकारी विभाग कलेक्टर महोदय से कि उसकी जाँच करें, और जहाँ जहाँ शराब दुकानें ऐसे पाए जाते हैं तत्काल उनको हटाकर उनको आउट एरिया में ही रखा जाना उचित है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।